अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक और खैरियत से हैं। आज मेरा डे ऑफ है। जिस दिन ऑफ होता है हम लोग बाहर निकलते हैं, और मेरे साथ एक शख्स मौजूद है इंडिया से है, अनिल, हाय एवरीवन। अनिल। अनिल भाई, आप कहाँ से हैं इंडिया में? मैं उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर। उड़ीसा, इस साइड में आता है, इस वेस्ट साइड। बंगाल के कोस्टल एरिया में आता है। दुबई कब आए? मैं आया 2021 जनवरी को आया था। अभी कितने साल हो गए? तीन अभी साल लगभग 3 साल कंप्लीट हो गया। तो आपको दुबई कैसा लगा अभी? दुबई अच्छा है, मतलब पैसा कम। इंडिया से कंपेयर करेंगे तो पैसे के मामले बहुत बेहतर है, लेकिन आपको बस जो बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना खोना पड़ता है ना। पड़ता है, आप इधर आएंगे पैसा कमाएंगे, लेकिन वो, सैक्रिफाइस करना हाँ, वो पड़ता है। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको। और साल में एक बार जाना है, वो एक है, बाकी सब बढ़िया है। उड़ीसा में क्लाइमेट अच्छा है, लेकिन अभी कुछ साल से अभी ज़्यादा धूप हो रहा है। अभी तो ऐसे सुनने को आ रहा है कि इधर दुबई से भी ज़्यादा गर्मी हो रहा है उधर उड़ीसा में। और टूरिज्म प्लेसेस कौन सा है वहाँ पे टूरिज्म के लिए? बहुत है, जैसे आपको पता होगा, शायद उड़ीसा को भुवनेश्वर एक जो कैपिटल है उसको टेम्पल सिटी बोलते हैं, वो बहुत ही फेमस है। जैसे पुरी जगन्नाथ मंदिर है, बहुत फेमस है वो उड़ीसा में। टेम्पल के अलावा और कुछ घूमने के लिए? टेम्पल के अलावा आपको बहुत सारे बीच मिलेंगे, क्योंकि कोस्टल एरिया है, बीच मिलेंगे। और दो चार हिल स्टेशन भी है, वो भी मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा जगह है, नेचुरल प्लेसेस बहुत है। वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आता है? हाँ, टूरिस्ट आते हैं उधर। आपको पता है सूर्य टेम्पल है, जो कोणार्क टेम्पल बोलते हैं ना, वो बहुत फेमस है। ब्रेक लेते हैं, चाय कॉफी क्या श्योर बोलते श्योर हो? श्योर श्योर, चलते हैं फिर। रेस्टोरेंट बहुत रश था इसीलिए चाय लेके आए वहाँ से। कल देखा आपने कितना डिग्री था? 40, अभी 40 क्रॉस हो गया दुबई में। मतलब अभी जलने वाली है। हाँ, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। एक चाय एक कॉफी बोला था। चाय भी इसको अलग बोलते हैं। चाय नॉर्मल एक रेनबो वाला चाय होता है, और एक फ्रेश मिल्क होता है। ये फ्रेश मिल्क वाला चाय, ये फ्रेश मिल्क वाला है चाय है, और ये हमारा जुगाड़ वाला सब टेबल। प्लेट है, छोटा प्लेट टेबल है। ये खाने के मामले तो दुबई पीछे रह गया इंडिया से। ये तो तो समोसा यहाँ दिया है। पे तो मिल जाता है, बहुत सारे मलबारी रेस्टोरेंट्स है। हाँ, ये लीजिए आपके लिए समोसा। ट्राई करते हैं समोसा। ओके, नॉट बैड, समोसा अच्छा है। अच्छा समोसा हो गया दोनों। अभी तो आई स्मेल थिंक वो जो स्मेल से पता ओपन चल। किया है वो चाय है। हाँ, ये चाय। दुबई में सस्ता ये है कि चाय 1 ग्राम में मिल जाता है आपको, समोसा चाय सब 1 ग्राम। हाँ, दुबई से आप कंपेयर करोगे तो 1 ग्राम में चाय सस्ता है, लेकिन वो इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो 22 रुपया हो जाता है। वो तो कंपेयर बहुत नहीं करना है महंगा यहाँ है। पे, यहाँ पे कंपेयर हाँ, नहीं दुबई करना में है, एक चीज आपको नहीं करना है कि आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर लो, करना है। कन्वर्ट नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल होगा इधर आपको अगर पैसा खर्च यहाँ करना। पे अर्न करेंगे हम उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। 1 दिराम, 2 दिराम, 10 दिराम पे आप खर्च करेंगे उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर हाँ, वही 10 दिराम आप कंपेयर ट्वेंटी करके में सौ कन्वर्ट किलोग्राम में करेंगे ना, 300 रुपया हो जाएगा। कड़क बोलते हैं ना ये इसको। कड़क अड़बियों का है। हाँ, ये आप कोई भी, आप अरबी भी देखोगे ना, जब भी जाएगा वो बोलेगा एक कड़क चाहिए करके। एक्चुअली लेकिन वो कड़क चाय तो फेमस हुआ केरला के थ्रू ना। केरला के थ्रू, क्योंकि आपको पता है केरला लोग तो इधर पहले से आए ना, और अरबियों ने भी जो मतलब इंडियन का खाना का जो शुरुआत किया ना, वो केरल लोगों से ही शुरू किया, तो उनके मुंह में वहां से अभी से 40-50 साल हाँ, वो से। लोग चाय हाँ, नहीं बोलते, वो वो लोग कड़क कड़क बोलते हैं, कड़क एक कड़क बोलते हैं। बोलते हैं, एक कड़क देना करके वो बोलेंगे अरबियों ने। वही लोग ऑलमोस्ट 70% हाँ, ये वही दुबई में वही वही उनका। लोग बिजनेस कर रहे हैं। आप देखो बिजनेस में लुलु है, मदीना मार्केट, नेस्टो, सब सब कुछ सब हम केरला सब वालों का केरला है। वाले। ये है मेरी कॉफ़ी, टी पार्टी, लेकिन कॉफ़ी ट्राई करूँ? कॉफी आप देखो क्या सीन है कॉफी का। ठीक ठीक है, है, स्टारबक्स वैसी वाली नहीं है लेकिन नॉर्मल ठीक है। स्टारबक्स का पैसा भी तो वैसा वाला है। उसके हिसाब से तो वही सही है। अभी जो हम लोग यहाँ पे पार्क किए है गाड़ी, इसके नीचे मेट्रो स्टेशन। हाँ, इसके नीचे बहुत बड़ा दुबई का एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है, देरा सिटी सेंटर करके। ये सिटी सेंटर एरिया है, और वो आपको दिख रहा होगा वहाँ आगे सिटी सेंटर भी है, ये वो सामने येलो वाला कलर सिटी वाला। हाँ, सेंटर, येलो कलर वाला सिटी सेंटर है। और इसके साइड में आपको इधर एक मिलेगा डे टू डे करके, इधर लिखा मार्केट, हुआ है डे टू डे। हर चीज सस्ती मिल जाती है हाँ, यहाँ वो पे आपको मैक्सिमम 20-20 दिरहम के अंदर जब इधर सब चीज आप मिलेगा। ट्रैवलिंग करते हो इंडिया के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है।
23 मतलब कम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। इसको आपको बजट में हर चीज मिल जाएगा। नॉर्मली दुबई बहुत हर एक्सपेंसिव तरह है, की चीज़ें मिल जाती है वहाँ हर पे। तरह की चीजें मिलेगा आपको। आज का दिन ख़त्म, फिर एक हफ़्ता वेट करना पड़ेगा अभी छुट्टी के लिए। छुट्टी के लिए 6 दिन पूरा अच्छे से काम करो, 6 दिन काम करो, 1 दिन रेस्ट करो। बस यही है दुबई यही का लाइफ। लाइफ है दुबई का। उसके बाद 1 महीने, 1 साल के बाद 1 महीना छुट्टी। 365 दिन तक ये कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद 1 महीना छुट्टी, उसी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि नहीं तो अच्छा खासा 15-16 हज़ार का दुबई में फाइन, फाइन आ जाएगा। यहाँ पे फाइन के लिए कोई कमी नहीं है, फाइन का कोई कमी हर नहीं है, चीज के लिए फाइन आता हर है। चीज के लिए फाइन है आपको। पार्किंग, प्रॉपर पार्किंग लगाना पड़ेगा, फाइन नहीं तो फिर कम से कम तो 2,000 इंडिया से शुरू होता है फाइन इधर मिनिमम। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जब वीक ऑफ होगा फिर नए से कहीं जगह पे जाते हैं और व्लॉग बनाते तो हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।